want the best of me now, best of me now, best. So hello guys, good morning, welcome back to my new vlog. और अभी 12 बज रहे हैं, लाइक रात को जैसे कि बताया कि लेट नाइट्स हुए थे, दोस्त आए थे और उठाऊँ उठ के सुबह सुबह फिर सारे बर्तन वर्तन थे उसको धोना पड़ा, फ्रेश वगैरह होके फिर अभी शुरू हो रही है ब्लॉग. और आपको ये लोकेशन तब पता ही हो चुका है, साथ में दूध को भी मैंने गर्म कर दिया है, दूध गर्म हो गया, इधर चाय बन रही है. अगर दूध का ग्लो उबाल के रखते हैं तो दूध फटती नहीं है, यही बड़ी बात है. इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, दूध को उबाल के रखते हैं जिससे कि ना दूध फटे नहीं और लाइक बहुत दिन तक चले. और एक बार मैं 2 पैकेट लेके आए थे तो वो 2 पैकेट परसों लेके आए थे, वो अभी भी चल रहा है. सो दूध हमारे बॉयल हो चुके हैं, इसको हटा देंगे. जब से हम लोगों ने लाइक बॉयल करके रखना शुरू किया है दूध को, अलग से पतीला में बॉयल करके रखते हैं और उसी को थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करते हैं, तब से अभी तक दूध फटी नहीं है. और वैसे पैकेट में रख ला के रख देते हैं तो रूम में फट जाता है दूध. So, सुबह का चाय हमारी रेडी है और अभी टाइम हो रहा है 12:15. सो 12:15 चाय और उसके बाद देखते हैं क्या होता है पूरे दिन में. बच्चे चाहे इंडिया का हो यूक्रेन का, हर जगह पे मस्ती हो रही होती है. जैसे कि 2 बच्चे देख रहे हो कि एकदम पेड़ पे चढ़ के इसके कूद रहे हैं और ये बच्चा तेज से कूद के उतर गया और इसको धीरे 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 इसको उतरना है. सो आपके सामने ही है जैसे उतर रही है. आज बाहर बिल्कुल कोहरा कोहरा से एकदम, दिन में भी अजीब से लग रहा है, धुआं धुआं से हो रखा है बाहर एकदम, मतलब इतना अच्छा नहीं है विजिबिलिटी. सो आया था थोड़ा सा नया रूम में, 2 मिनट के लिए काम था और ये बर्तन भी रखा हुआ था, ये बर्तन भी लेके जा रहा हूँ अभी रूम और जाके अभी खाना खाऊंगा. सो अभी 4 बजने वाला है, लंच हमारा हो चुका है और साथ में गर्म पानी, कितना गर्म है, बहुत ज़्यादा धुआं उड़ रहा है इसमें से. और तो गर्म पानी कैसे नहीं पीके, तो इसमें ग्रीन टी डाल देता हूँ थोड़ा सा. सो इसमें ये ग्रीन टी गया, अब इसको पियेंगे. सो खाना पीना होने के बाद जस्ट थोड़ा सा रेस्ट लिया और उसके बाद बाहर निकला तो फिर से आज अंकुर मिल गया. और अंकुर कहाँ गया था तू? मैं क्रिकेट खेलता है. देखो यहाँ पे सब क्रिकेट भी खेलता, मैं तो नहीं खेलता मगर ये खेलता है बहुत अच्छे से, बहुत. सो यहाँ पे बोलते हैं कि जिम नहीं है, फिर खेलने की जगह नहीं है, कैसे लगा? यहाँ तो बहुत अच्छे जिम है यहाँ पर, इंडिया बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं और अच्छे जिम है और क्रिकेट ग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर और सब कुछ अच्छा है भाई. बस अच्छा बंदे होने चाहिए, क्रिकेट फुटबॉल सब कुछ खेलते हैं यहाँ पे, वॉलीबॉल जो मर्जी, फुटबॉल एक नंबर यहाँ पर. रात के टाइम में बहुत ज़्यादा मजा आता है फुटबॉल खेलने में. जैसे ये हॉस्टल है और हॉस्टल का यहाँ पे साइकिल गैराज भी है, आप यहाँ पे अगर साइकिल रख के जाओगे तो कोई चोरी वगैरह नहीं होता है. बहुत लोग साइकिल खरीदते हैं, चलाते हैं खुद से ही, कभी क्लास जाते हैं, कभी ऐसे ही घूमने के लिए. और बाहर ही वॉशरूम वगैरह सब कुछ है हॉस्टल के बाहर, अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है एकदम इमरजेंसी में, फिर कौन फिर ऊपर जाएगा अपने रूम के लिए, तो यहाँ से भी अपना काम कर सकते हैं. और सामने एक वेंडिंग मशीन है जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, यह है वेंडिंग मशीन. रात को अगर कुछ खाना पीना रहता है तो वेंडिंग मशीन में मिल जाता है. सो फाइनली अभी आ गया हूँ सेंटर और अभी सामने जाता हूँ और जाके दिखाता हूँ आपके क्या मिलता है. कुछ मिलता है तो दिखा दूँगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर और क्या दिखाऊँ, मगर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. वैसे ही आए हम घूमने तो देखते क्या होता है, क्या क्या करते.
संडे कॉफ़ी, और संडे कॉफ़ी में अभी संडे कॉफ़ी बन रहा है और अंकुर आया नहीं, बीच में छोड़ दिया अंकुर आना। सो ये कॉफ़ी हमारी आ चुकी है संडे कॉफ़ी, क्या मस्त येलो कलर कप में। सो हम लोग अभी एक नया जगह पे आए, और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है ये कहाँ पे है, और नए लोगों को नहीं पता है। सो यहाँ से कुछ ब्यूटीफुल सीनरी है जो आपको दिखाता हूँ, ब्यूटीफुल सीनरी तो नहीं, उसे बोलते हैं लुक, मैं आपको दिखाता हूँ। सो हम लोग आए थे पार्लियामेंट यहाँ का, और यहाँ पे ना बहुत अच्छे से लाइट लगा के रखते, और ये देखो जो इंसान बना हुआ है शायद यहाँ पे गोलीबार हुआ था, और वही जो इंसान यहाँ पे खड़े थे उनके लिए ऐसे टाइप का एक किया गया है। और यहाँ पे लाइट अभी है नहीं, यहाँ पे नहीं थे, बहुत मस्त लाइट पेंटिंग किया जाता है, और वो ऑफ है आज, सो सॉरी। तो अभी आए थे टिप टॉप, और टिप टॉप का खाना पीना हो चुका है। सो अभी जाना एतेवे, और एतेवे से मेरे को कुछ सामान लेना है रूम के लिए, उसके बाद चलेंगे रूम और फिर दिखाता हूँ। सो अभी एतेवे से बाहर आ चुका हूँ, और बाहर आते ऐसे कोहरा हो रखा है बिल्कुल, बाहर एकदम धुंधली सी। सो बस के लिए अभी वेट कर रहे हैं, हम बस मिल जाए बस। आज इतना ठंड तो नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा, एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। अभी तो बस शुरुआत है, और कुछ दिन में स्नोफॉल हो जाएगी, और जब स्नोफॉल होगी तब तो एकदम बारिश बारिश जैसे गिरता है, मगर सफ़ेद बारिश होता है वो सिर्फ। फिर वो देखने में दो तीन दिन अच्छा लगता है, फिर एकदम इरिटेशन आ जाता है कि पता नहीं क्यों इतना स्नो गिर रहा है, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलोगे तो अगर स्नो वाले बूट नहीं रहेगा तो फिसल जा सकते हो, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आती है स्नो में भी, मगर यहाँ के लोग अडेप्ट हो चुके हैं। और हम लोग जो अभी 2 साल से यहाँ पे हैं, 3 साल चल रहा है ये, तो हम लोग भी अडेप्ट हो चुके हैं। आप लोग जो नए आ रहे हो वो लोग भी अडेप्ट हो जाए हुए, और जो लोग नहीं आ पा रहे हो तो घर बैठे बैठे मेरे ब्लॉग देख लो, और कमेंट में बताओ आपको कैसा लगता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई अच्छा लगता है, लाइक मैसेज करते हैं, तो वही मैसेज अगर कमेंट में करते हैं मेरे को और भी अच्छा लगता है यार, मगर अच्छा लगता है। मतलब आप डीएम में बोलते हो, मगर फिर भी कभी भी एक कमेंट में भी अच्छा लगता है कि अच्छा वीडियो के नीचे कमेंट भी आ रहे हैं, कितने मस्त जगह है। और ये जो रेस देखो कितने प्यार से निकल रही है। सो खाना पीना हो चुका है, और खाना खा के अभी इमरान भाई के रूम आया हूँ। सो इमरान भाई, सरफराज अहमद भाई सबसे बात कर रहा था, और बात करते करते अभी 10:30 हो गया, मैं 10 बजे आया था, आधा घंटा हो गया पता ही नहीं चला, 1 सेकंड मैसेज ऐसे चुटकी में चला गया। और इनसे अभी बात बात कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे।